जिले में संचालित होने वाली टैक्सियों से लगेज कैरियर हटाए जाने की एआरटीओ के फरमान से टैक्सी संचालन भड़क गए है। टैक्सी संचालकों ने यूनियन अध्यक्ष नवल किशोर की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। और मांग की इस फरमान को तत्काल वापस लिया जाए। टैक्सी संचालक ने कहा कि दरअसल कल हमारे परिवहन अधिकारी द्वारा एक एसओपी जारी की गई है, तो उसमें यह आदेश निकाला गया है कि हमारे जितने भी टैक्सी मैक्सी वाहन हैं उनके लगेज कैरियर हटाए जाएं। तो हमने इस यह लेकर के हम आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष खड़े हैं कि अगर हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को अगर ये लोग इतनी विषम परिस्थितियों को ये लोग नहीं समझते हैं तो फिर इन लोगों का यहाँ पे पद पे रहना ठीक नहीं है। क्योंकि जब इनको पता है कि प्रति व्यक्ति 25 किलोग्राम का भार माननीय हमारे तत्कालीन परिवहन मंत्री जी हीरा सिंह बिस्ती जी द्वारा आदेश जारी किया गया था, तो उसमें ये कहा गया था कि 25 किलो प्रति व्यक्ति वजन रखा जाएगा और करीबन 11 इंच का कैरियर अलाउ करा था। परंतु आज इन सब चीज़ों को उन जितने भी नियम थे उनको दरकिनार करके हमारे परिवहन अधिकारी महोदय हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं। और हम यही लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय के समक्ष हुए हैं कि हमारे जो देयक थे, हमारे जो आज तक के सारे देयक थे जो हमारे विभागों द्वारा जो हमारा वाहनों का अधिग्रहण किया गया था, वो सारे देयकों को तत्काल में हमें तत्काल उनका भुगतान किया जाए। और हम यही चीज़ हम आने वाले लोकसभा चुनाव में भी यही कहेंगे कि हमारे वाहनों को अधिग्रहण किया जाए। क्योंकि जब सरकार हमारी जिला प्रशासन हमारे साथ नहीं है तो हम भी किसी के साथ नहीं है। संचालकों ने अपनी समस्या जिला अधिकारी के सामने रखी। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। मंडलीय सचिव चरण सिंह बिष्ट ने कहा कि डाक विभाग ने उनके साथ धोखा किया है। कमलेश चंद्रा कमेटी की सिफारिश को पूरी तरीके से लागू न कर हमारे साथ अन्याय किया है। कमलेश चंद्रा कमेटी जो डाक विभाग ने ही बैठाई, 2018 में उसको लागू किया गया, उसके कुछ अंश लागू किए गए, पर कमलेश चंद्रा कमेटी ने जो भी रिकमेंडेड डाक विभाग को दी थी उनको लागू न करके कुछ अंश उन्होंने लागू किए, जिससे GDS को धोखे में रखा है। संसद में उन्हें वक्तव्य दिया कि हम कमलेश चंद्रा कमेटी की संपूर्ण सिफारिशों को लागू कर रहे हैं। जब हमें मिला तब हमें पता चला कि कुछ ही अंश दिया गया है, बहुत धोखा किया गया है। इसलिए ग्रामीण डाक सेवक संघ पूरे भारतवर्ष में हड़ताल पर है। आज इसीलिए पिथौरागढ़ परिमंडल के ग्रामीण डाक सेवक मुख्यालय में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कार्य समय 8 घंटा करने, कमलेश चंद्रा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने, सामूहिक बीमा कवरेज की धनराशि 5 लाख तक बढ़ाने आदि मांगे उठाई। धरना देने वालों में कार्यकारी अध्यक्ष नारायण चंद, करण बहादुर सिंह, महेंद्र मेहरा, ललित जोशी समेत दर्जनों डाक सेवक मौजूद रहे। शिक्षा खेल एवं पंचायती राज विभाग के समन्वय से युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ का स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खेल महाकुंभ का समापन 21 दिसंबर को पुरस्कार वितरण के साथ होगा। इस मौके पर जिला युवा कल्याण अधिकारी DN द्विवेदी समेत विभागीय अधिकारी और खेल प्रशिक्षक मौजूद रहे। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चले आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। PRC बिंड में सेवारत सहायक अध्यापक माध्यमिक का 7 दिवस प्रशिक्षण मंगलवार को शुरू हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी गणेश सिंह ज्याला,
प्रशिक्षण प्रभारी ब्लॉक समन्वयक नवल पंत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहले दिन शिक्षकों को कैप्सूल निर्माण की विस्तार से जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर के रूप में महेंद्र प्रताप और डॉक्टर भगवती प्रसाद पाठक सहयोग दे रहे हैं। गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज हरिद्वार में आयोजित राज्य स्तरीय कला उत्सव में राजकीय इंटर कॉलेज पीपल कोट के छात्र सौरभ कुमार ने द्व्यायामी चित्रकला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक ने सौरभ और मार्गदर्शक शिक्षक उमेश चंद्र पुनेठा का स्वागत किया। सौरभ ने उत्तराखंड की प्रसिद्ध ऐपन, छलिया नृत्य, धान कूटती महिला, मां नंदा सुनंदा आदि को प्रदर्शित किया। संचालन प्रवक्ता गिरीश चंद्र पुनेठा ने किया। युवा कवि एवं साइबर एक्सपर्ट नीरज चंद्र जोशी के काव्य संग्रह काव्य कुसुम का मंगलवार को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गौरव कुमार ने विमोचन किया। यह पुस्तक नीरज जोशी की चौथी पुस्तक है। विमोचन करते हुए गौरव कुमार ने नीरज की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि आम जनता को साइबर धोखाधड़ी से सावधान करने के साथ वे साहित्य सृजन का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। उनकी कविताएं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। सेंटर हेड जगदीश लोहनी ने नीरज की कविताओं को आम जनमानस की आकांक्षाओं, भावनाओं और संवेदनाओं का प्रतिबिंब बताते हुए कहा कि भाषा सरल और बोधगम्य है। इस अवसर पर दमयंती लोहनी, बंशीधर महेश उप्रेती बाल साहित्य का, ललित शौर्य डॉक्टर, पीताम्बर अवस्थी, डॉक्टर प्रमोद क्षोत्रिय, डॉक्टर आनंदी जोशी सौरभ आदि ने पुस्तक विमोचन पर युवा कवि को शुभकामनाएं दी। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।